हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को देखें, फिर उसको लाइक करें, उस पर कमेंट करें, अपने सुझाव दें और अपने दोस्तों के साथ जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप और भी ट्विटर, जहां भी आपका अकाउंट हो वहां जरूर वीडियोस को शेयर करें, ताकि जो फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन चल रहा है मेरे चैनल के द्वारा, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो सभी लोग उसका लाभ उठा पाए। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि बायोलॉजी की सीरीज चल रही है तो बायोलॉजी पार्ट 5 तक ऑलरेडी आप लोग देख चुके होंगे वीडियो, और जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक तो पार्ट 5 तक जरूर देखें। मोस्ट आईएमपी चीजें कवर हो चुकी हैं और अब जो बायोलॉजी पार्ट 6 है ये भी बहुत ही आईएमपी है, तो इसको भी मैं कवर करा रहा हूं। तो चलिए आज हम देखते हैं बायोलॉजी पार्ट 6, इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं शुरुआत से, उत्सर्जन देखते हैं सबसे पहले। तो उत्सर्जन की अगर हम बात करें तो हमारे जो शरीर है, हमारा शरीर उसमें कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का उपापचयन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प का निर्माण होता है। यानी कि शरीर के अंतर्गत हम खाना लेते हैं, उसमें हम कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, तेलीय चीज लेते हैं जिसके द्वारा हमको वसा भी मिलता है, प्रोटीन लेते हैं, तो इन सबका जब उपापचयन होता है, उपापचय या उपापचय, ठीक जैसा भी आप पढ़ना चाहे, जो होता है तो उसके द्वारा जो है हमारे पास CO2 और जलवाष्प जो है का निर्माण होता है। बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन का जब उपापचय होता है तो उससे नाइट्रोजन जैसे उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। जैसा कि आपको पता है कि जब हम मूत्र के द्वारा उत्सर्जन होता है तो उसमें यूरिया का कुछ भाग निकलता है और जो गंध आती है वो अमोनिया के कारण आती है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन के उपापचय से किस प्रकार के पदार्थ का उत्सर्जन या निर्माण होता है। तो अगर नाइट्रोजन मिलता है तो आप नाइट्रोजन लगा सकते हैं, अदरवाइज अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल में से कुछ भी अगर मिले आपको तो वो भी आप लगा सकते हो। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे उत्सर्जी पदार्थों को फेफड़ों के द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं, जैसे कि गैस है, हम सांस लेते हैं, ठीक, तो जरूरी थोड़े जितना हमने सांस लिया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही ऑक्साइड थी, जो शरीर के अंदर भी बनती है वो भी हम जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जो हम सांस लेते हैं उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो वापस आ जाती है, ऐसा नहीं है। लेते कम है हम, लेकिन कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ते हैं। तो ज्यादा इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि जो शरीर में निर्माण हो रहा है ना, तो वो भी तो निकलेगा आपका, तो वो जो है गैस के द्वारा, जो है फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो सोडियम क्लोराइड जैसे उत्सर्जी पदार्थ त्वचा के द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं, जैसे कि आपका स्वेट निकलता है, यानी कि पसीना वगैरह निकल जाता है, तो वो भी जो है आपका उत्सर्जी पदार्थ के अंतर्गत आता है। यूरिया जैसे उत्सर्जी पदार्थ वक्र यानी कि किडनी के द्वारा शरीर से बाहर निकाले जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मूत्र में जो है यूरिया का प्रतिशत रहता है और जो गंध आती है वो अमोनिया के कारण आती है, तो ये वहां से निकलते हैं। चलिए हम उत्सर्जन की बात करते हैं। तो उत्सर्जन जो है तीन प्रकार के होते हैं, अमोनोटेलिक उत्सर्जन, यूरियोटेलिक उत्सर्जन और यूरिकोटेलिक उत्सर्जन, ये तीन है। अगर पहले वाले की बात करें तो ये जलीय जंतुओं में पाया जाता है, जैसे मछली, मेंढक आदि, और ये जो है सेकेंड वाला ये मोस्ट आईएमपी है क्योंकि ये मनुष्य में पाया जाता है और जानवरों में भी कुछ कुछ में पाया जाता है, ये मनुष्य में पाया जाता है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, और पक्षी वर्ग के अंतर्गत जो है थर्ड वाला पाया जाता है। तो इन सबको आगे हम डिटेल में देखते हैं। चलिए तो उत्सर्जन के जैसे मैंने बताया तीन प्रकार के होते हैं, पहला होता है अमोनोटेलिक उत्सर्जन। तो इस प्रकार के उत्सर्जन में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार का उत्सर्जन जिन जंतुओं में पाया जाता है उन्हें अमोनोटेलिक जंतु कहा जाता है। इस प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ को निकालने के लिए सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो ये आईएमपी क्वेश्चन बनता है कि उत्सर्जी पदार्थ को निकालने के लिए सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता किस प्रकार के उत्सर्जन में लगती है, तो वो हो जाएगा आपका अमोनोटेलिक उत्सर्जन। ठीक है, बात करते हैं अमोनिया को सर्वाधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ माना जाता है। इस प्रकार का उत्सर्जन जलीय जंतुओं में पाया जाता है, तो अधिकतर जो है जलीय जंतुओं में इस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है। बात करते हैं सेकंड, जो कि वेरी आईएमपी है क्योंकि ये जो है ह्यूमन बीइंग के अंतर्गत पाया जाता है, यूरियोटेलिक उत्सर्जन। इस प्रकार के उत्सर्जन में उधर जो उत्सर्जी पदार्थ होता है के रूप में यूरिया को शरीर से बाहर निकाला जाता है। कुछ उभयचर वर्ग तथा स्तनधारी वर्ग के जंतुओं में भी इस प्रकार का उत्सर्जन पाया गया, जैसे कि बात करते हैं मेंढक जो है आपका इसमें भी था, पानी वाले में भी, मनुष्य इसमें आईएमपी है, उसके बाद हिरण और खरगोश आदि जैसे इन जैसे जानवरों में भी पाया जाता है। बात करते हैं थर्ड नंबर वाले की। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो इस प्रकार के उत्सर्जन में उत्सर्जी के पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल,
का निर्माण होता है और यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करने के लिए सबसे कम जल की आवश्यकता होती है क्योंकि ये सबसे कम विषैला उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो इस प्रकार का उत्सर्जन जो है पक्षी वर्ग में मोस्टली पाया जाता है, सरीसृप में पाया जाता है, जैसे कि कबूतर, मोर, सर्प, मगरमच्छ, कछुआ, इन सब में पाया जाता है। तो ये लोग जो है बहुत कम देखते होंगे आप पक्षी वर्ग जो उत्सर्जन करते हैं बहुत ही छोटे और बहुत ही कम करते हैं ताकि उन लोग को उतने पानी की जरूरत भी नहीं होती, इसलिए ये थर्ड वाला जो है उनमें अधिकतर पाया जाता है। चलिए हम कुछ और देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो मेंढक की बात करते हैं तो मेंढक एक ऐसा प्राणी है जिसमें तीनों प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है। वेरी आईएमपी पॉइंट, नोट कीजिएगा इसको कि मेंढक एक ऐसा प्राणी है जिसमें तीनों प्रकार के उत्सर्जन पाए जाते हैं। मेंढक के लार्वा को टैडपोल कहा जाता है जिसमें अमोनोटेलिक प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है। मेंढक के लार्वा में कौन सा पाया जाता है? अमोनोटेलिक यानी कि फर्स्ट नंबर वाला। बात करते हैं वयस्क मेंढक, वयस्क मेंढक में यूरियोटेलिक प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है, ठीक, यानी कि सेकेंड नंबर वाला। और जब मेंढक सुसुप्त अवस्था में होता है तो इसमें जो है थर्ड नंबर वाला आपका उत्सर्जन पाया जाता है। तो ये जो है इसकी तीनों अवस्थाओं में तीनों चीज पाई जाती है, ठीक है। बात करते हैं मेंढक में सुसुप्त अवस्था दो प्रकार के होते हैं जिसमें ग्रीष्मकाल जो होता है ग्रीष्मकाल में एक सुसुप्त अवस्था होता है तथा शीत में भी एक सुसुप्त अवस्था होता है जिसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। इसमें वो जो है अपने शरीर की एनर्जी को इस्तेमाल करके पड़े रहते हैं इस टाइप से। अब मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है जबकि बक के द्वारा जो है यूरिया को छान कर शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो मोस्ट आई एम इफेक्ट यूरिया का निर्माण कहां होता है? तो निर्माण जो होता है लिवर में होता है, लेकिन बढ़ता कहां है, मतलब छानता कौन है इसको? किडनी के द्वारा जो है इसको छान के शरीर से बाहर मूत्राशय के द्वारा या मूत्र के द्वारा बाहर निकाला जाता है। बात करते हैं हम शरीर के जो जो ये आप देख सकते हैं किडनी का डायग्राम। तो पहले हम देख लेते हैं शरीर के हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जो उत्सर्जी तंत्र काम करते हैं, जो उत्सर्जी जो अंग होते हैं वो काम करते हैं, उनको हम उत्सर्जी तंत्र कहलाते हैं। जैसे कि बात करें त्वचा, यहां से पसीना के थ्रू बहुत सारी चीजें हम निकालते हैं, आंसू भी जो है कुछ चीजें निकलती हैं आंसू ग्रंथि से। बक किडनी, किडनी का बहुत बड़ा रोल है, खून को भी साफ करता है, हमारे शरीर से गंदी चीजों को बाहर निकालता है। तो ये आप डायग्राम देख रहे हो तो किडनी में जो है दो भाग होते हैं, ये ऊपर वाले भाग को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और ये भीतर वाले भाग को मेडुला बोलते हैं और ये है आपके ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसका एक और डायग्राम मैं दिखाऊंगा जो ओरिजिनल किडनी का है, देखिएगा ये दिस इज। तो ये जो था ये है कॉर्टेक्स और ये वाला भाग जो है ये है मेडुला, ठीक, कॉर्टेक्स और ये है मेडुला और ये है आपके जो जिससे खून वगैरह जो है प्रवाहित होता है, ठीक। तो मेडुला कॉर्टेक्स याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं आगे, तो हमारे शरीर का सर्व प्रमुख उत्सर्जी अंग की बात करें तो वह है बक। बक की इकाई क्या होती है, यानी कि आपकी किडनी की इकाई होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में मूत्र यानी कि यूरिन का निर्माण होता है, मूत्र का संग्रह मूत्राशय में होता है आपका। मूत्र में 95% जल तथा शेष जो है यूरिया, लेकिन अगर बात करें तो 2% यूरिया होता है। अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि कितने प्रतिशत यूरिया की मात्रा होती है तो 2% यूरिया की मात्रा होती है, बाकी क्रिएटिन, हिप्यूरिक अम्ल, साधारण लवण इत्यादि ये कुछ कुछ होते हैं। मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा जो है यूरिक अम्ल की भी होती है। मूत्र का पीला रंग जो है क्रिएटिनिन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो क्रिएटिनिन के कारण होता है। मूत्र का निर्माण सामान्य मनुष्य में 24 घंटे में लगभग 100 लीटर होता है, लेकिन अंतिम रूप से जो है 1.5 लीटर ही मूत्र उत्सर्जन होता है, शेष जल पुनः अवशोषण हो जाता है, यानी कि 100 लीटर, आप समझ रहे हो, इतना निर्माण होता है और बाकी जो है फिर से उसको रियूज किया जाता है, लेकिन 1.5 लीटर जो है बाहर निकाल दिया जाता है। और ये निर्भर करेगा आप कितनी दिन में पानी की मात्रा लेते हो। आप अगर 8 लीटर पानी पी रहे हो दिन में तो इतना होगा, लेकिन उससे अगर कम पी रहे हो तो थोड़ा कम भी बनेगा, ठीक है। तो पानी के ऊपर है, आप 5 से 6 लीटर पानी पीते हो तो 2 से 3 लीटर आप मूत्र बाहर निकालोगे, जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ज्यादा आपका मूत्र बाहर आएगा। चलिए बात करते हैं हम किडनी की, तो किडनी के कार्य ना करने पर जो है डायलिसिस का जो उपयोग किया जाता है। मूत्र का निस्पंदन जो है बाउनमैन संपुट एक वैज्ञानिक का नाम है उस कैप्सूल में जो होता है। चलिए बात करते हैं, बस ये आपको नाम याद रखना है कि ये किससे रिलेटेड है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बाउनमैन जो है किससे रिलेटेड है, तो ये किडनी या डायलिसिस से आप लगा सकते हैं। मनुष्य में 2 किडनियां पाई जाती हैं जिन्हें दायां और बायां किडनी कहा जाता है, वक्र कहा जाता है। मनुष्य के वक्र का भार लगभग 300 से 350 ग्राम का होता है। वक्र के द्वारा छाने गए मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है, 95% जैसा कि बता चुका हूं, और बाकी कार्बनिक पदार्थ और यूरिया भी पाई जाती है, यूरिया का प्रतिशत 2%। मूत्र का पीला रंग यूक्रो
यूरोक्रोम पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। जैसे पीछे हमने जो क्रिएटिनिन जो देखा नाम, वो एकदम साइंटिफिक नेम था, और ये क्वेश्चन भी ऑप्शन में ये भी मिलता है किसके किस पदार्थ के कारण, तो यूरोक्रोम पदार्थ के कारण भी उसका रंग जो है पीला होता है। मूत्र का पीएच मान लगभग 6 के आसपास होता है, यानी कि ये क्षारीय होता है, अर्थात नहीं सॉरी ये अम्लीय होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। देखिए पीएच स्केल में क्या रहता है, अगर ये 7 है, 7 से इधर कम होगा तो क्षारीय अम्लीय होगा, और 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा, तो ये 6 के आसपास होता है। 6.2 भी मिल जाएगा आपको, तो 6 से 6.4 के बीच में आपका रहता है, तो ये हो जाएगा आपका अम्लीय प्रकृति का। मनुष्य के मूत्र के द्वारा विटामिन सी शरीर से बाहर निकलता है, वेरी आईएमपी फैक्ट। विटामिन सी क्वेश्चन पूछा जाता है, मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। और कभी कभी बोलते हैं कि जैसे हाथ कट गया तो उस पर अगर आप पेशाब कर देते हो तो वो सही हो जाता है, और विटामिन सी जो है हमारे शरीर के घाव भरने में बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है, तो इसलिए बोला जाता है कि अगर आप टॉयलेट करते हो तो वो घाव जल्दी भर जाएगा, तो इसी कारण से, क्योंकि हमारे उसमें जो यूरिन होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। चलिए बात करते हैं हम कुछ अन्य फैक्ट की। तो भारतीय मूल के सुब्बो राय एक वैज्ञानिक का नाम है, या डॉक्टर बोल सकते हो, ने कृत्रिम वक्र बनाया था, यानी कि एक जो है आर्टिफिशियल किडनी बनाई थी। इनके डिटेल पढ़ लेते हैं। उनकी टीम ने कृत्रिम दावा किया था कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। भारतीय वैज्ञानिक सुब्बो जो राय है, उनके साथियों ने वक्र को तैयार किया था। उनका कहना है कि यह कृत्रिम वक्र न केवल रुधिर से जहरीले पदार्थ को दूषित करता है, बल्कि वास्तविक वक्र की कोशिकाओं का इस्तेमाल करके दूसरे महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। यह वक्र रुधिर के दबाव पर नियंत्रण रखता है और विटामिन डी भी बनाता है। सुब्बो राय और उनकी टीम ने चूहों व अन्य प्राणियों पर कृत्रिम वक्र का परीक्षण कर चुकी है, अब वह मनुष्य पर इसका परीक्षण करना चाहती है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि किसने किया था, तो सुब्बो राय ने जो कृत्रिम ये बना चुके हैं। चलिए बात करते हैं हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की। तो कुछ ग्रंथियां बात कर लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की। तो ग्रंथियों के अंतर देखते हैं, दो बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, और मिक्स्ड जो है आपकी मिक्स्ड है। तो मिक्स्ड के अंतर्गत जो है अग्नाशय या पैनक्रियाज आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ग्लैंड है जो मिक्स ग्लैंड कहलाती है, तो पैनक्रियाज जो है मिक्स ग्लैंड कहलाती है। बाह्यस्रावी की बात करें तो लिवर है बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी की अगर बात करते हैं तो अंतःस्रावी में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवक्र, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। तो इन सबको हम आगे डिटेल में देखते हैं। बात करते हैं अंतःस्रावी तंत्र की बात करें तो यह जो है नलिका युक्त एक नलिका विहीन ग्रंथियों का तंत्र होता है, जिसमें विभिन्न ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन्स हमारे शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रित करते हैं, यानी कि जो हार्मोन्स जो निकलते हैं उनसे क्रियाएं होती, सभी चीज हार्मोन्स पे ही निर्भर करता है। बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, जिनका अध्ययन जीव विज्ञान की अंतःस्रावी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। बात करते हैं ये वाला पॉइंट आईएमपी है, अंतःस्रावी विज्ञान का जनक वैज्ञानिक एडिसन को माना जाता है, मोस्ट आईएमपी फैक्ट। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन जैसे रासायनिक पदार्थों का जो है निर्माण होता है। देखिए जब आपको कुछ गुस्सा आता है तो वो भी हार्मोन्स के कारण आता है, आप शांत होते हो तो वो भी हार्मोन्स के कारण होता है। हर चीज हमारे शरीर में जो है हार्मोन्स पे डिपेंड होती है, जैसी आपकी क्रिया होती है वैसे हार्मोन्स अंदर जनरेट होते जाते हैं। चलिए बात करते हैं हम हार्मोन्स की, बात आई है तो हार्मोन्स को देख लेते हैं। हार्मोन्स शब्द को स्टार्लिंग तथा वेलिस नामक वैज्ञानिक ने जो है प्रतिपादित किया था या दिया था। हार्मोन्स जो है जीव शरीर के अंदर रासायनिक संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि आपको गुस्सा आ रहा है तो वो मस्तिष्क को संदेश देगा कि अब इसको गुस्सा आ रहा है। इस टाइप से जैविक क्रियाओं को उत्तेजित करने वाले पदार्थों को हार्मोन्स कहा जाता है, जिसका निर्माण प्रोटीन के अतिरिक्त कैस्ट्रॉल तथा अमीनो अम्ल जैसे पदार्थों से निर्माण होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हार्मोन्स का निर्माण किन किन से होता है, तो कैस्ट्रॉल तथा अमीनो अम्ल जैसे पदार्थों से मिलकर होता है। मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है जो कि इस प्रकार है, इनको हम देखते हैं। जैसे कि पीयूष ग्रंथि की अगर हम बात करें तो पीयूष ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड है, थाइमस ग्रंथि है, एंड्रिनल ग्रंथिज है, ठीक है, ये सब कुछ ग्रंथियां। लैंगर है इसकी द्विपालिका ग्रंथि, जो जिसके अंतर्गत हम बीटा कोशिका की बात कर रहे थे, ठीक, जिससे आपका जो डायबिटीज की जो रोग होती है वो भी उसी के अंतर्गत आएगी। यौन ग्रंथि आएगी, आदि कुछ प्रमुख ग्रंथियां आएंगी। इनमें मात्र लैंगरहस जो है द्वीपिका नालिका युक्त है, सिर्फ एक जो है लैंगरहस की जो द्वीपिका ग्रंथि की बात की गई है तो वो है नालिका युक्त, बाकी सब जो है जिसमें नालिका नहीं है। यह अंतःस्रावी तंत्र एवं पाचन तंत्र दोनों से संबंधित है। चलिए हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की डिटेल देख लेते हैं। पीयूष ग्रंथि क्या बोल रहा है, यह मस्तिष्क के निचले भाग में स्थित होता है, यह अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखता है, इसी कारण से इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मोस्ट आई एम फैक्ट मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि की अगर बात करें तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है आपका पीयूष ग्रंथि को। बात करते हैं आगे, इससे
वृद्धि हार्मोन्स, थायराइड उत्तेजक हार्मोन्स, फल किल्स उत्तेजक हार्मोन्स आदि 11 हार्मोन्स निकलते हैं। तो कितने हार्मोन्स निकलते हैं? 11 हार्मोन्स। हार्मोन्स प्रोटीन तथा जैसा कि बसी पदार्थ, हमने पदार्थ बताए थे, उनसे बने होते हैं जो जैविक प्रक्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स के प्रमुख कार्य शरीर वृद्धि पर नियंत्रण रखना, मादा में अंडे तथा नर में शुक्राणु स्पर्म का निर्माण, दुग्ध उत्पादन पर नियंत्रण, शरीर में जल संतुलन, ठीक है, उपापचय, मेटाबॉलिज्म पर नियंत्रण रखना, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले वृद्धि हार्मोन्स के अधिक जो श्रावण की दशा में व्यक्ति अधिक लंबा और कम श्रावण की दशा में बौना हो जाता है। तो ये जो है आपके पीयूष ग्रंथि पर डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कितनी होगी। जैसे खली, उनके में ज्यादा हार्मोन्स निकल गए वो ज्यादा लंबा हो गया, ठीक है। रिमेस्टीरियो छोटा रह गया क्योंकि उसके में कम हार्मोन्स निकले तो वो छोटा रह गया। तो इस टाइप से जो है ये ज्यादा हो गया। इस टाइप से आप रिलेट करोगे तो पीयूष ग्रंथि, पीयूष छोटा रह गया, पीयूष बड़ा हो गया, ऐसे करके आप कर सकते हो। चलिए बात करते हैं, हम थायराइड ग्रंथि की बात कर लेते हैं। तो इसे टेम्पो ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। ये पीयूष ग्रंथि के ठीक नीचे है। यह शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मोस्ट आई इनफैक्ट सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है आपकी सबसे बड़ी थायराइड ग्रंथि आएगी। इससे निकलने वाले हार्मोन्स थायरोक्सिन का मुख्य कार्य है श्वास दर को नियंत्रित करना। थायरोक्सिन में आयोडीन नामक तत्व पाया जाता है। इसी कारण जो है थायरोक्सिन के अल्प श्रावण से घेंगा रोग, जो गोइटर रोग होता है, वो हो जाता है। और थायराइड ग्रंथि को एक अन्य नाम से जाना जाता है, एडम एप्पल के नाम से भी, या एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी जो लास्ट वाला फैक्ट है, आईएमपी है, क्वेश्चन बन सकता है, बना तो नहीं है लेकिन बनने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो आपको थायराइड क्या रखना है कि अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। और इसके अंदर जो थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है उसमें आयोडीन तत्व पाया जाता है। और अगर ये हार्मोन्स कम निकलता है तो आयोडीन की कमी से आपको घेंगा रोग हो जाता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक आपको खाना चाहिए। बात करते हैं हम पैरा थायराइड ग्रंथि की, अगर बात कर लें तो यह थायराइड के नीचे पाया जाता है। इसमें स्रावित होने वाला पैरा थ्रोमोन हार्मोन हड्डी में कैल्शियम एवं फास्फोरस की मात्रा को जो है नियंत्रण करता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस की जो है मात्रा पर नियंत्रण कौन करता है? तो पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा, पैराथ्रोमोन जो हार्मोन्स निकलता है उसके द्वारा। बात करते हैं हम एंड्रिनल ग्रंथि की, तो एंड्रिनल ग्रंथि आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है, यानी कि इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा इमरजेंसी ग्लैंड किसको कहा जाता है? तो एंड्रिनल ग्रंथि को इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है। यह किडनी के ऊपर स्थित होता है। इससे एंड्रिनलिन हार्मोन का जो है श्रावण होता है, यानी कि निकलता है। इस हार्मोन का जो है मुख्य कार्य कार्बोहाइड, प्रोटीन और वसा के उपापचय पर जो है नियंत्रण रखना है। भय और आवेश की स्थिति में अधिवक्त ग्रंथि जो है, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि है, के अंतःस्थल भाग से अचानक श्रावित एंड्रिनलिन हार्मोन मनुष्य को विषम परिस्थितियों से सामना करने के लिए प्रेरित करता है। इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। यह इस हार्मोन का दूसरा कार्य है, यानी कि आप कुछ इमरजेंसी है ही, कुछ ऐसी जगह फंस गए तो इससे कुछ ऐसा हार्मोन निकलेगा जो कि या तो आपको डिसीजन लेने पर मजबूर कर देगा कि आप सामने या तो डिसीजन ले लो, जैसे सामने से एकदम से कार आई तो ऐसी स्थिति में आप या एकदम से डिसीजन ले, अगर अच्छा हार्मोन निकलता है तो आप डिसीजन लेके हट सकते हो एकदम से, या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो है ये भी वर्क करता है। तो ये एक इसका दूसरा कार्य भी हो जाएगा। पहला मुख्य कार्य तो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपापचय करना, और दूसरा है इमरजेंसी में जो है इस टाइप के वर्क को अंजाम देना। चलिए बात करते हैं हम लैंगरहैंस द्वीपिका की, तो इसके अंतर्गत ये अग्नाशय में पाई जाती है। यह ऐसा भाग है जो पाचन तंत्र के अंग के रूप में भी जाना जाता है। यह अंतःस्रावी तंत्र में ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है, जो मड यानी स्टार्च और शक्कर सुगर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से शक्कर रुधिर में चला जाता है, जो कि रक्त के घनत्व को बढ़ा देता है, जिससे रक्त का दबाव रक्त वाहिनियां में बढ़ जाता है, जिससे ब्रेन हेमरेज होने की भी संभावना और हृदयघात होने की भी संभावना अधिक बढ़ जाती है। इसी कारण से इंसुलिन की कमी रुधिर में शक्कर के स्तर को बढ़ा देती है, जिससे डायबिटीज होता है। कहां से निकलती है? बीटा कोशिका, याद रखिएगा, बीटा कोशिका, पैनक्रियास की बीटा कोशिका, ठीक। और डायबिटीज हो जाता है, और डायबिटीज की स्थिति में उच्च रक्तदाब, तनाव, ठीक है, हृदयघात, ब्रेन हेमरेज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए जो है अपने शरीर को बहुत ही मेंटेन करके रखिए। हृदयघात मैं आपको बता चुका हूं पिछले पार्ट में कि कैसे होता है। चलिए बात करते हैं हम यौन ग्रंथि की, यानी कि सेक्स ग्लैंड की बात कर लेते हैं। ये दो प्रकार की होती है। नर में जो हार्मोन्स निकलता है उसको टेट, जो है नर में जो निकलता है इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिस, ठीक, नर हार्मोन ग्रंथि, इसे टेस्टिस बोला जाता है। इसमें दो हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन। तो देखिए जो टेस्टोस्टेरोन है ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ये अभी तक तो मुझे देखने नहीं मिला, अधिकतर ये ही पूछा जाता है, ठीक।
मादा की बात करें तो जिसके अंदर ओवरी बोलते हैं और इसके दो हार्मोन निकलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। तो एस्ट्रोजन मोस्ट आईएमपी सबसे ज्यादा अभी तक साइंस में अगर हार्मोन से क्वेश्चन आए हैं तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है एस्ट्रोजन जो है कैसा हार्मोन है। तो मादा हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। स्त्रियों में यौन परिपक्वता, स्तन ग्रंथि का विकास, ऋतुस्राव पर नियंत्रण जो करने के लिए होता है, ठीक है, ऋतुस्राव पर नियंत्रण करता है। जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है वो गर्भावस्था को नियंत्रण करने के लिए रखता है, इसलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स किसे कहा जाता है, तो प्रोजेस्ट्रॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहा जाता है। एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए भी उत्तरदायी है। तो इसमें जो आपको मैंने बताया बस दो चीज याद करना है कि एस्ट्रोजन कैसा हार्मोन्स है, तो मादा हार्मोन्स है और सेक्स हार्मोन्स के अंतर्गत आता है, और टेस्टोस्टेरोन जो है ये आपका मेल के अंतर्गत पाया जाता है, और प्रेगनेंसी हार्मोन्स प्रोजेस्ट्रॉन है, ठीक। चलिए तो यहां पे जो है ये ग्रंथियों की बात खत्म हुई। अब मैंने कुछ जो है वन लाइन फैक्ट लिए हैं जो कि मोस्ट आईएमपी है, जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो देखते हैं कौन कौन सी है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि नालिका युक्त होती है, तो लैंगर हैस की होती है। व्यक्ति में बौनेपन के लिए उत्तरदायी कौन सा हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन का ग्रोथ के लिए कौन सी, पीयूष ग्रंथि दोनों प्रकार की जो है निकालता है छोटा या बड़ा करने के लिए। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो थायराइड ग्रंथि होता है। किस हार्मोन के अल्पस्रावण से घेंगा रोग होता है, तो थायरोक्सिन, ठीक। हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फोरस को कौन नियंत्रण करता है, तो पैराथ्रोमोन हार्मोन नियंत्रण करता है। हार्मोन्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन तथा एस्टेराइड या बसीय पदार्थ के बने होते हैं। भय और आवेश के समय कौन सा हार्मोन काम करता है, तो एंड्रिनल जो था ग्लैंड उसके अंतर्गत एंड्रिनले जो एंड्रीनेलिन जो था ये आपका वर्क करता है। जो हार्मोन किस हार्मोन की कमी के कारण शक्कर उधर में जो चला जाता है, तो इंसुलिन जो है उसके कारण आपका हृदयघात, ब्रेन हैमरेज, शुगर की जो बीमारियां हो जाती हैं। किस हार्मोन को गर्भावस्था में नियंत्रण करने के लिए प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन को कहा जाता है। और जो गर्भस्थ में जो भ्रूण शिशु का भरण पोषण किसके माध्यम से होता है, तो ये एक आपको आईएमपी याद रखना है कि गर्भ के अंदर भरण पोषण किससे होता है, तो प्लेसेंटा नामक जो एक हार्मोन हो उससे आपका होता है। तो ये जितने पॉइंट मैंने बताया मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट ऑफ द मोस्ट पॉइंट है, तो इनको जरूर याद कीजिए, इन पे से ही क्वेश्चन बनते हैं। बाकी डिटेल पार्ट को आपको पूरा देखना है, अगर अदर क्वेश्चन बनेंगे तो डिटेल पार्ट में वो पूरे कवर हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे मेरा काम खत्म, अब आप लोगों का काम है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा बांटिए, और यहाँ पे जो है नेक्स्ट और प्रीवियस पार्ट के वीडियोस आप देख पाएंगे जल्द ही, और मिलते हैं चलिए अगले नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद। तो कीप सब्सक्राइब, थैंक यू।